जनपद में केंद्र सरकार के द्वारा लाए जाने वाले बिल के विरोध में रेलवे बस स्टैंड के चालकों ने हड़ताल किया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा वाहन चालकों के लिए एक बिल लाया जा रहा है, जिसमें यदि कोई वाहन चालक गाड़ी से एक्सीडेंट कर देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस ड्राइवर को 10 साल की सजा व 5 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। जिसके विरोध में गोरखपुर के बस चालकों ने हड़ताल किया और सरकार के लाए जाने वाले बिल पर रोक लगाने की मांग की। वहीं हड़ताल की वजह से पूरे जनपद में यात्री परेशान हो गए और शहर में पैदल चलते नजर आए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रेलवे बस स्टैंड के बस चालकों ने कहा, अभी जो नया कानून आ रहा है जो शायद अप्रैल से लागू होने वाला है, उसी के विरोध में सारे ड्राइवर जो है हड़ताल पे हैं, जिसमें जेल का प्रावधान है और आर्थिक दंड का है। क्या है पूरा कानून? 5 लाख रुपए जुर्माना, 5 साल या 10 साल की सजा है। 10 लाख रुपए। इसी के विरोध में पूरे प्रदेश में लगभग सारी गाड़ियां खड़ी है। पहले क्या होता था? पहले नॉर्मली बेल हो जाता है, अगर लाइसेंस सही है, ड्राइवर नशे में नहीं है, बेल हो जाता था, केस चलता रहता था, बाकी बीमा कंपनी जो है हरजाना अपना देखती थी। तो अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? जो जैसे था एज इट इज उसको ऐसे रहने दें। जब सभी लोग जेल चले जाएंगे गाड़ी कौन चलाएगा? 10,000-15,000 की नौकरी पे सब लोग जेल जाने के लिए थोड़ी यहाँ है। सब तब तक ये रहेगा, आप ये अनिश्चितकालीन रहेगा जब तक ये कानून अपना वापस नहीं लेंगे। हम लोगों की मांग यही है, हम लोग ड्राइवर हैं, ठीक है, हम लोग डेली एक रूट पे चलते हैं, सब एक एक रूट पे ड्राइवर हैं। नहीं कि कोई यहाँ पर जाता कोई वहाँ जाता, सब एक रूट ड्राइवर हैं। अगर हम उसी रूट पे चलते हैं, कल को हमारे सामने कोई गाड़ी अगर हमसे लड़ जाए मर जाता है तो उसका जिम्मा हम थोड़ी लेंगे। वो ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है, विदाउट लाइसेंस चलता, हम पूरा अपनी पूरी आईडी देख चलते हैं ड्राइवर से बने हैं तो, ठीक है, पैसा ही भरो, 10 साल जेल भी काटो, फायदा क्या ले? क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम इसको इस कानून को निरस्त करना चाहते हैं ना। हम परिवहन मंत्री का केंद्र सरकार तक यही कहेंगे इस कानून को वापस ले, इसको लिए कोई और नियम लागू करे। जो विदाउट लाइसेंस चल रहे हैं, जो दारू पी गाड़ी चला रहे होंगे उनके लिए लागू करे सब। हम लोग तो उसी रूप में जेल ही चलते, हमको पूरा उसकी पता है, उसके लिए आप बताइए ना क्या हमको करना है, आप बताइए। तो कानून लागू नहीं हुआ अभी, तो बस तो कानून नहीं तो लागू होने वाला ना, सरकार ने इस बात को पूरा ऐलान कर दिया होने वाला है, तो भाई उसके लिए हम लोग दिक्कत है, तो हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। कल को धरना भैया, जब तक सरकार हमारी मांग नहीं लेगी, जब तक ये मांग पूरी ना करे तब तक हम लोग खड़े रहेंगे, हम लोग गाड़ी खड़ा कर देंगे। क्या नाम है आपका? भोले गुप्ता नाम है।